नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, वो ये कि अंडाकार क्यों होता है। आप कहेंगे अंडाकार क्यों होता है, अंडाकार तो शब्द ही अंडे से ही निकला, फिर जी अंडाकार नहीं होगा तो और कौन सा अंडाकार होगा, है ना। चलिए इस अंडे को तोड़ देते हैं और इस अंडे के अंदर से एक प्यारा सा छोटा सा चूजा निकाल देते हैं। अब ये आपको बताएगा कि अंडाकार क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, अंडाकार हो गए तो पक्षी के पेट में तय हो जाता है। सारे ही अंडे अंडाकार नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा अंडाकार होते हैं, कुछ कम अंडाकार होते हैं, कुछ गोल के करीब होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर अंडे अंडाकार होते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी जिसके पेट में वो अंडा होता है, वहां पर ही उस अंडे को इस तरीके से पाया जाता है कि वो एक तरफ से थोड़ा दबा रहे और इस वजह से वो अंडाकार बन जाता है और फिर माँ के पेट से निकल के भी अंडाकार बना रहता है। दोस्तों, अंडाकार अंडा अगर है तो उसे उसमें फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो दोस्तों ये है, सबसे बड़ा फायदा कि अंडा जैसे ये ऐसे है, आप किसी अंडे को लुढ़काइएगा तो ये अपने छोटे वाले अक्ष के तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा जैसे यूं। अगर इस चौक को देखिए, अगर यूं लुढ़केगा तो यूं घूम के ऐसे वापस आ जाए, मतलब इस पथ पर घूमेगा ऐसे गोलाकार पथ में। लुढ़क के गेंद की तरह इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं भी चला गया, अधिकतर उसी जगह के आसपास। और ये सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा मैं दोस्तों इसे कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी प्रजाति के विकसित होने में हजारों साल तो लगते ही है, और अगर उनके अंडे टूटने में सारा वो निकल जाए तो कैसे काम चलेगा। तो पक्षी अपना जो घोंसला बनाते हैं, आपने देखा होगा उसमें जो अंडे रखे रहते हैं, तो अगर मान लीजिए घोंसला कहीं से क्षतिग्रस्त भी हो जाता है या थोड़ी सी घोंसले पे कहीं चोट आ जाती है इधर उधर, तो ऐसा नहीं होगा कि इधर ये गोल अंडा होगा तो मान लीजिए इधर से घोंसला टूट गया तो लुढ़क के सीधे बाहर कहीं भी गिर जाएगा। ये हुआ तो अगर ये लुढ़का भी तो यहीं रहेगा, ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, घोंसले से बाहर यूं लुढ़क के चला जाएगा। ऐसी स्थिति चूंकि वो गोल नहीं है इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा है, अंडा सुरक्षित रहेगा तो पक्षी, जितने अंडे सुरक्षित रहेंगे जानवर वगैरह द्वारा खा भी लिए जाते हैं और भी तरीके से नुकसान पहुंचता है, लेकिन कम से कम ऐसे अनहोनी या हादसों में अंडे नहीं जाते हैं। ये इसके खिलाफ ये समझिए बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया इनका। आप कभी अंडे को ऐसे तोड़िएगा, ऐसे उंगली में, मैं आपको बताता हूँ, करके देखिएगा दोस्तों, ऐसे पकड़ लीजिएगा अपने हाथ से अंडा, ऐसे आप अंडे को तोड़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अब मेरी बात की कितना मुश्किल होता है अंडे को तोड़ना इस तरीके से। बहुत मुश्किल है कि आप तोड़ पाए, ऐसे कच्चे अंडे की बात कर रहा हूँ, कच्चे अंडे को ऐसे पकड़ के यूं तोड़ने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इतना आसान नहीं है अंडे को तोड़ना। इसलिए छोटा मोटा जानवर भी इन्हें ऐसे करके खा नहीं सकता, हालांकि जानवर जो खाते हैं वो तो अपना वो निकाल लेते हैं, लेकिन इससे ये रहता है कि बाहरी चोटों से ये सुरक्षित रहता है, खासतौर से अगर इसके लंबवत कोई चोट पड़ती है तब, यानी यूं करके अंडा पड़ा होता है, इधर से कोई चोट पड़ी या उधर से कोई चोट पड़ी, कोई तिनका घोंसले का वगैरह चुभा तो वो टूटेगा नहीं आसानी से। एक फायदा ये, दूसरा फायदा आकार का एक फायदा ये भी होता है। अब तीसरा फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंदर से तोड़ना बड़ा आसान होता है, बाहर से तोड़ना जितना मुश्किल होता है अंदर से तोड़ना उतना ही आसान होता है। तो अंदर जो छोटे चूजे महाशय, छोटा चिड़िया का जो बच्चा जो भी होता है, वो इसे
जब वो पैदा होता है तो इसे अंदर से तोड़ के आसानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे खुद तोड़ के आना होता है। ये नहीं कि माँ तोड़ती या कुछ, प्रकृति ने कुछ नियम बनाए जिन्हें हर जानवर को मानना पड़ता है, हर जीव को मानना पड़ता है, तो वो तोड़ के बाहर आ जाता है। वो प्यारा सा बच्चा फिर से बनाते हैं। वीडियो के शुरू में हमारे पास था, फिर उसको समझाने में हमने गायब कर दिया, है ना। तो ये बच्चा प्यारा सा बाहर आ जाता है, और इसके बाहर आने में बहुत बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि ये अंडा अंडाकार था। तो अंडा अंडाकार क्यों होता है ये आपको पता लग गया। अंडे को आसान मत समझिएगा, चलते चलते अंडे के बारे में मजेदार चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे जो अंडा आप किसी बोतल में अंडा डाला हुआ देखते हैं, उसका बड़ा आसान है। गिलास में नमक का घोल बना लीजिए पानी में, और अंडा उसमें डाल दीजिए। कुछ समय अंडा बहुत ही वैसा हो जाएगा, नरम। उसे आप बोतल में भी डाल सकते हैं, बोतल में डाल देंगे कुछ समय, फिर वो उतना ही हो जाएगा कठोर, और लोगों को हैरानी होगी बोतल के अंदर अंडा आया तो आया कैसे। ये आप कर सकते हैं लोगों को चौंकाने के लिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।